गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने सदिशों का वियोजन द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में कर लिया था। सदिशों का वियोजन हमने द्विविमीय पद्धति में कर लिया था और उसके हमने कोई न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। और द्विविमीय पद्धति में हमने या तो एक्स वाई समतल की बात करी होगी या वाई जेड की या फिर जेड एक्स। अगर एक्स वाई समतल में किसी सदिश ए सदिश को घटकों के रूप में वियोजित करना है तो उसके हमने लिखा था ए सदिश बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड कैप। तो ये तो हमने उसको घटक के रूप में लिख लिया सदिश को। उसके बाद हमने ए सदिश का परिमाण लिखा था तो ए सदिश का परिमाण आया था बेटा अपने पास अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। उसके बाद हमने ए सदिश की दिशा भी ज्ञात कर ली थी कि वो एक्स एक्स से कितने कोण पे है वाई एक्स से कितने कोण पे। तो थीटा का मान भी निकाल लेता हमने टेन थीटा वाले सूत्र से ए वाई अपॉन ए एक्स थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। इसी तरह से हम सदिश को या सदिशों को त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में भी विभाजित कर सकते हैं। थ्री डी में करेंगे तो तीनों एक्सिस आ जाएंगी x, y और z। हम ऐसा मान लेंगे कि a सदिश सपोज आपका है वो 3D में है, उसका x x में घटक ax है, y x में घटक ay है और z x में घटक az है। उसको हमें सदिश के रूप में वियोजित करना है, उसके बाद ये सदिश का परिमाण और उसकी दिशा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बहुत आसान होता है बेटा, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें इमेजिन करना होगा। 3D वाला थोड़ा सा बड़ा लेंथी होता है, इसलिए उसको हमें सोच के करना होगा। सपोज आपने इसको x एक्सिस माना हुआ है, आपकी x एक्सिस ये आपकी y एक्सिस और z एक्सिस को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना, x y और z बाहर की तरफ ऐसे लिखते हो, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु O, मान लो मूल बिंदु से 3D में, 3D मतलब हवा में होगा पॉइंट। सपोज मैंने यहां पे एक बिंदु P लिया हुआ हवा में जिसकी स्थिति A सदिश है, जिसको हमने A सदिश से निर्देशित किया, मतलब OP सदिश हमारा क्या है A सदिश। OP सदिश क्या है A सदिश, जो x x में AX दूरी पे है, x x में वो कितनी दूरी है AX, x x की दिशा को हम I कैप से निर्देशित करेंगे, y वाली को J कैप से और z वाली को K कैप से निर्देशित करेंगे। x x में ये जो A सदिश है वो AX दूरी पे है, y में AY और z में AZ, ठीक है, मुझे ये तीनों घटक पता है। हम जो इनको वियोजित करना है, मतलब इस घटक के रूप में इस सदिश को लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु P से इस वाले तल में एक लंब डालेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री। बिंदु P से OY पर मतलब Y एक्सिस पे भी हम लंब डालेंगे, ये वाला कोण 90 डिग्री, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इधर जो हमने लंब डाला है वो इसके समांतर ही होना चाहिए, तो इसके समांतर हमें एक रेखा और खींच देंगे, ये लो सर, इसको मैंने बोला OP सदिश, इसको मैं Q बोल दूं और इसको मैं बोल दूं OPQR, ये एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। अगर मैं इसको AY लिखता हूं AY सदिश, तो क्या आपका ये भी AY सदिश होगा, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है दिशा के साथ, दिशा ऊपर की तरफ तो इसकी दिशा भी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जो लंब डाला है इसको भी हम चेक कर लेंगे, इसको मैंने OQ सदिश बोला जिसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा भी इधर हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो बिंदु Q था ना x z तल में, इससे भी हम इस भुजा पे भी लंब डालेंगे और इस पे भी लंब डालेंगे। इस पे जब लंब डाला तो हमने ये देखा और इस पे जब लंब डाला तो मैंने ये बनाया। अब आप इसको O P Q R दे चुके, इसको S मान लिया, इसको T मान लिया, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखो, सॉरी राइट एंगल नहीं, ये पैरेललोग्राम, ये और ये वाली जो साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल, और जेड में आप जो मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ले रहे हो ए जेड वेक्टर, तो ये भी आपका क्या होगा ए जेड वेक्टर। एक्स में क्या ले रहे हो आप ए एक्स वेक्टर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ए एक्स वेक्टर, ठीक है। अब इसमें अपन यूज करते हैं ट्राइंगल वगैरह लो वगैरह यूज करते हैं, ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल मैंने यूज किया है वो यूज किया है ओ पी क्यू, यूजिंग ट्राइंगल, सबसे पहले जो मैंने त्रिभुज काम में लिया है वो ओ पी क्यू, थोड़ा सा मैं अंग्रेजी बोल गया बीच में ध्यान रखना भाई, ओ पी क्यू से त्रिभुज नियम लगाने पर, त्रिभुज नियम से इसमें त्रिभुज नियम देखो, ये आपने लंब डाला था तो ये कोण 90 डिग्री था, ये वाला कोण 90 डिग्री, ये भी ध्यान रखना ये वाला कोण भी 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री है।
इस त्रिभुज को देखो OPQ से, इसमें त्रिभुज नियम लगाएंगे तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान क्रम में है और ये विपरीत क्रम में है। त्रिभुज नियम क्या कहेगा? OQ सदिश बराबर OQ सदिश प्लस QP सदिश बराबर OP सदिश। त्रिभुज नियम यही बोलता है। समीकरण संख्या 1, OQ सदिश मुझे नहीं पता, मैं ज्ञात कर लूंगा। QP सदिश का मान है AY सदिश और OP सदिश आपका A सदिश, कुछ तो आया AY के रूप में तो आ गया A सदिश। अब उसके बाद देखो आप त्रिभुज नियम आप यहां लगा सकते हो OQT से, त्रिभुज OQT से इसमें हम त्रिभुज नियम लगाएं तो ध्यान से देखो OQT ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान क्रम में है और ये विपरीत क्रम में है, तो इसको लिखेंगे हम OT सदिश प्लस PQ सदिश बराबर OQ सदिश। ये दोनों भुजा समान क्रम में, ये विपरीत क्रम में, इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए त्रिभुज नियम से। अब ध्यान से देखो OQ सदिश का मान आया OT सदिश प्लस TQ सदिश, तो मैं इस OQ सदिश की जगह ये वाला मान रख सकता हूं। समीकरण संख्या 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से OQ सदिश की जगह मान क्या रखोगे बेटा? OT सदिश प्लस TQ सदिश, OT सदिश प्लस TQ सदिश प्लस QP सदिश बराबर OP सदिश बराबर OP सदिश। ध्यान से देख बेटा OT सदिश क्या है? AX वेक्टर। TQ सदिश, TQ देखो ध्यान से AZ सदिश। QP देखो बेटा, QP सदिश आपका AY सदिश, मान रख लो AX सदिश प्लस AZ सदिश प्लस AY सदिश और OP सदिश तो आपका A सदिश है ही, ये रिजॉल्व हो गया। A सदिश इन टर्म्स ऑफ AX AY AZ आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A सदिश बराबर AX i कैप, AX सदिश XX में परिमाण AX और दिशा i कैप, ऐसे ही y में लिखेंगे तो AY j कैप प्लस AZ k कैप। ये आपका A सदिश घटकों के रूप में वियोजन हो गया। समीकरण संख्या 3, A सदिश को आपने घटकों के रूप में लिख लिया, XX दिशा में A सदिश का घटक था AX, Y दिशा में AY और Z में AZ। तो जब हमने इसको वियोजित किया तो हमारे पास ये उत्तर आया A सदिश बराबर AX i कैप प्लस AY j कैप प्लस AZ k कैप। तो हमने इसको घटक के रूप में इस तरह से वियोजित कर लिया। अब मुझे A सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी बेटा, आपको बहुत इजी है। A सदिश का परिमाण अगर आपसे पूछे A सदिश का परिमाण बताओ, तो A सदिश का परिमाण देखो कैसे ज्ञात करो। जो आपने ये दो त्रिभुज लिए थे ना अभी, इन्हीं त्रिभुज में आप पाइथागोरस कर दो। पहले त्रिभुज हमने लिया OPQ, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस लगा देना, पाइथागोरस लगाने पर ध्यान से देखो इसमें पाइथागोरस OPQ में पाइथागोरस लगाओ, ये वाला कोण 90 डिग्री, समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई? करण। तो पाइथागोरस क्या कहता है? करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करण आपको पता चल गया OP है, तो हम लिखेंगे OP का होल स्क्वायर बराबर OQ का होल स्क्वायर प्लस QP का होल स्क्वायर प्लस QP का होल स्क्वायर। OP का होल स्क्वायर बराबर OQ का होल स्क्वायर प्लस QP का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो OP सदिश का परिमाण तो आपके पास है A सदिश, बिल्कुल सही है। OQ सदिश का परिमाण अभी आपके पास नहीं है, वो अपने को ज्ञात करना होगा। QP सदिश का परिमाण AY है, वो अपन ज्ञात कर लेंगे। इसको मैं समीकरण संख्या 4 दे दूं। इसी प्रकार आप एक त्रिभुज और काम में ले लो OQT से, त्रिभुज OQT में पाइथागोरस समीकरण सुनी हुई आपकी, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगाने पर। बोलो पाइथागोरस इस वाले में OQT में, ये वाला कोण 90 डिग्री, समकोण के सामने वाली भुजा करण, तो करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करण कितना आपका OQ, आप लिखोगे इसको OQ का होल स्क्वायर बराबर OT का होल स्क्वायर प्लस TQ का होल स्क्वायर, OT का होल स्क्वायर प्लस TQ का होल स्क्वायर। समीकरण संख्या 5,
और क्यू का होल स्क्वायर बराबर और टी का होल स्क्वायर प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं अपन। देखो ध्यान से बेटा, ये आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इस OQ के होल स्क्वायर की जगह ये वाला मान यहां रख लेता हूं, समीकरण चार व पांच से। समीकरण चार व पांच से देखो, OQ का होल स्क्वायर बराबर OP का होल स्क्वायर। OP का होल स्क्वायर बराबर चार में मान रखेंगे ना, OQ का होल स्क्वायर का मान ये रहा, OT का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस QP का होल स्क्वायर। इसकी जगह हम QP का होल स्क्वायर QP का होल स्क्वायर रखते हैं। और अब ध्यान से देखो, OP का होल स्क्वायर, OP का परिमाण कितना है, A सदिश का परिमाण मतलब A स्क्वायर बराबर। OT कितना आपका, OT AX, AX सदिश का परिमाण कितना हुआ AX, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस TQ। देखो ध्यान से, TQ, TQ क्या है, AZ का स्क्वायर प्लस QP, QP AY, AY का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया संबंध, A स्क्वायर बराबर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। आपको तो A चाहिए तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, वर्गमूल, वर्गमूल ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। ये A सदिश का परिमाण आ गया बेटा, जो मुझे ज्ञात करना था, समीकरण संख्या 6। समीकरण संख्या 6, कोई समस्या हो तो बोलो यहां तक। A सदिश के परिमाण में कोई दिक्कत नहीं है, A सदिश का परिमाण वैसा ही आया जैसा हमने 2D में डिस्कस किया था, द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में। A के घटक का स्क्वायर प्लस J के घटक का स्क्वायर प्लस K के घटक का स्क्वायर का अंडर रूट 3D में हुआ। उसमें दो ही घटक होते हैं, इसमें तीन होते हैं, इस पर शायद न्यूमेरिकल तो हमने किया भी था वहां पे। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व। अब मुझे ये पता करना है कि A सदिश जो है वो x एक्सिस से कितने कोण पे, y से कितने पे और z से कितने पे। ये आपकी x एक्सिस, ये आपका A सदिश। मान लो मैं x एक्सिस से बोलूं कि ये अल्फा कोण पर, y एक्स से बीटा कोण पर है और z एक्स से ये जो कोण है वो गामा, मान लो अल्फा बीटा गामा। x एक्सिस से A सदिश अल्फा कोण पे है, दिशा ज्ञात करने के लिए हम कोण से बताएंगे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे इधर है। x एक्सिस से अल्फा कोण पे है, y एक्स से बीटा कोण पे और z एक्स से गामा कोण पे है, मान लिया A सदिश। अब मुझे अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात करना है। मुझे क्या ज्ञात करना है बेटा, अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात करना है। इसमें कोई समस्या हो तो बोलो, यहां मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो, अल्फा बीटा गामा ज्ञात करने के लिए आपको फिर से वापस इधर सोचना होगा, त्रिभुज देखने होंगे और हम मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, आसान है तरीका, अल्फा बीटा गामा ज्ञात करने का तरीका जो है बहुत इजी है। ध्यान से देख बेटा, सबसे पहले मैं बीटा ज्ञात करता हूं, इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखो, त्रिभुज ओ पी आर से यह आपका एक समकोण त्रिभुज है। ये वाला कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का कारण बीटा के सामने वाली भुजा लंब और बीटा के साथ वाली भुजा आधा। मुझे आधार पता ए वाई है, पता ए है, आधार कर्ण का संबंध कॉस वाला होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस बीटा बराबर आधार बटा कर्ण। देन कॉस बीटा बराबर आधार आपका क्या हुआ बेटा, ओ आर, आधार ओ आर, कर्ण आपका क्या है ओपी। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ ओ आर कितना हुआ, ओ आर का मान कितना है ए वाई, मान रख लो कॉस बीटा बराबर ओ आर का मान ए वाई, ओपी का मान ए। अगर इसको वजह गुणा करते तो अपने पास ये घटक आ गया इन टर्म्स ऑफ बीटा, ए कॉस बीटा, ए कॉस बीटा। समीकरण संख्या 7, अगर मैं इसी प्रकार ए एक्स लिखूं, इसी प्रकार यह वाला त्रिभुज का हमने लेके ए एक्स का मान क्या करूं, तो ए एक्स कितना आएगा बेटा, ए कॉस अल्फा, क्योंकि एक्स एक्स है अल्फा कोण पे, ए एक्स जो है वो अल्फा कोण पे। समीकरण संख्या 8, तथा ए जेड का मान कितना होगा बेटा, ए कॉस गामा। समीकरण संख्या 9, अगर मुझे अल्फा ज्ञात करना है, मुझे ए पता है, मुझे ए एक्स पता है, कॉस अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन ए, अल्फा बराबर कॉस इनवर्स ए एक्स अपॉन ए, इससे मान लग जाएगा। बीटा ज्ञात करना है इससे कर लेंगे, गामा ज्ञात करना है इससे कर लेंगे। हम एक और समीकरण बनाते हैं, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है ना, इनको हम बोलते हैं दिक कोजेन, डायरेक्शनल कोजेन। एक्चुअल में ये डायरेक्शन के लिए है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है वो ए वेक्टर के लिए डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं दिक कोजेन, जहां कॉस अल्फा कॉस बीटा तथा
कॉस गामा डी कोजेन, इनको बोलते हैं डी कोजेन, डी कोजेन कहलाती हैं, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शनल कोजेन। ठीक है, अब मुझे इन दिग्गजों में कोई रिलेशन ज्ञात करना हो, दिग्गजों में क्या ज्ञात करना हो बेटा, कोई संबंध ज्ञात करना हो, तो देखो इनका संबंध बहुत आसान है। 7, 8, 9 का वर्ग करो जोड़ो, 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 7, 8, 9 का वर्ग करके जोड़ लो, बायां पक्ष में बायां पक्ष जोड़ लो, दाहिने पक्ष में दाहिना पक्ष जोड़ लो, ay का स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। मैं ऐसे लिख लूं, पहले 8 लिख लेता हूं, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, az स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। इसमें से a स्क्वायर कॉमन आ गया, और ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी जो समीकरण इससे पहले वाली लिखी थी ना 6, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, वो तो आपका a स्क्वायर था बराबर, इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, a स्क्वायर से x a स्क्वायर कट के आपके पास रिलेशन आ गया फाइनली, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। डायरेक्शनल कोजेन या जो दिग्गजों के वर्गों का योग सदैव एक होता है, दिग्गजों के वर्गों का योग सदैव एक होता है, ये संबंध आ गया हमारे पास। ठीक है ना, इस संबंध से हम कोई न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकते हैं, कॉस सेंट निकाल सकते हैं बेटा गामा की वैल्यू, तो ये भी हमें पता चल गया। तो अब आज जो हमने किया त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में सदिशों का वियोजन, थोड़ा सा उससे लेंथी जरूर था बट है इजी। ठीक है ना, ये भी हमारे काम की चीज है, जीरो चैप्टर में इसलिए पढ़ते हैं कि सदिश बार बार हमारे काम आएगा, इसलिए सदिश को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लो। अब देखो बेटा, आप बार बार एक सदिश पढ़ोगे, स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश क्या होते हैं। ठीक है ना, स्थिति सदिश तो आप देख रहे हो, ये जो ए सदिश लिखा है ना, वो एक स्थिति सदिश थी। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ पूरा कि ये स्थिति सदिश क्या चीज है। तो अब अपना अगला टॉपिक है स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश, स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश। देखो बेटा इजी समझो, इसको कोशिश करो, इजी है। स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश, स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, थोड़ा सा समझाते हैं फिर इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। स्थिति सदिश, देखो हम किसी एक्स वाई तल की बात कर लेते हैं, स्थिति सदिश 3D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है, मैंने एक्स वाई तल की बात करी, पहले मैंने 2D में बात करी। मान लो एक बिंदु P, या मान लो एक कण या एक चींटी यहां पे थी किसी समय पर, एक चींटी बिंदु P पर थी किसी समय पर, प्रारंभ में यहां पे थी। मैं आपसे पूछूं, बताओ इसकी स्थिति क्या है, स्थिति का मतलब मूल बिंदु से कितनी दूरी पे, जिसे आपसे पूछा जाए ना कि आपके घर का एड्रेस, तो आप बोलते हो स्टेशन से इतनी दूरी पे इस डायरेक्शन में, तो ये जो स्टेशन है हमारा, इसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ये हमारा मूल बिंदु जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से हम स्थिति बताएंगे किसी भी घटना। तो जो चींटी है उसकी स्थिति ये है, इस दिशा में चींटी किधर है, मूल बिंदु से इस दिशा में है, उस स्थिति सदिश को मैंने R1 सदिश मान लिया। ये R1 सदिश जो है, जिसको हम बोल रहे हैं OP सदिश, ये मेरा क्या है, स्थिति सदिश, कण की स्थिति बता रहा है, इसलिए हम इसको स्थिति सदिश बोलते हैं। स्थिति सदिश, ये सदिश राशि होती है, विदाउट डायरेक्शन के स्थिति थोड़ी बता सकते हैं, स्टेशन से मेरा नॉर्थ में, साउथ ईस्ट वेस्ट जिसमें भी है, तो हम डायरेक्शन जरूर बोलते हैं कि मेरा जो घर है वो रेलवे स्टेशन से नॉर्थ में इतने नंबर पे है, इस डायरेक्शन में, इस कॉलोनी में ऐसे, तो हम उसकी स्थिति बताते हैं, तो हम डायरेक्शन के साथ बताते हैं, इसलिए सदिश राशि है, कितनी दूरी पे है उसको मैं R1 सदिश का परिमाण बोल दूंगा। अब दूसरी बात करें कि मान लो जो चींटी थी, इस चींटी की बात कर लेते हैं, तो पी पे कोई चींटी थी, वो कुछ समय के बाद चली और चलते चलते यहां पहुंच गई इस बिंदु, क्यों बिंदु, अब उसकी स्थिति चेंज हुई, पहले स्थिति पी पे थी तो एक्स एक्स में इतनी दूरी चला था, वाई एक्स में इतनी दूरी चला था, अब देखो एक्स एक्स में ज्यादा चला, वाई एक्स में कम हो रहा है, इसका मतलब उसकी स्थिति बदली है। मान लो अब उसकी स्थिति हो गई R2 सदिश, ये R2 सदिश भी क्या है, स्थिति सदिश, OQ सदिश, ये भी आपका क्या है, स्थिति सदिश ही है।
तो स्थिति सदिश मूल बिंदु से जो हम उसकी स्थिति बताते हैं, जो मूल बिंदु से हम उसकी दूरी दिशा के साथ बताते हैं, वो हमारा होता है स्थिति सदिश, किसी भी कण की स्थिति। ठीक है, तो स्थिति सदिश आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करें बेटा विस्थापन सदिश की। आपसे पूछा जाए विस्थापन सदिश क्या होता है, कि कण यहां से यहां चला है, चाहे वो उसने कोई सा भी पथ तय किया हो, चाहे वो चींटियां से घूमते फिरते आ रहे हो, कैसे घूमते फिरते आ रहे हो, बट हमारा विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। पढ़ा था तो न्यूनतम दूरी तो यही होगी, इसी को हम विस्थापन बोले। ये मेरा क्या हुआ पीक्यू सदिश, पीक्यू सदिश मान लो चींटी पी से क्यू पहुंची है तो उसकी दिशा इधर ही होगी, विस्थापन मतलब उसमें कोई बल लगा होगा, इस दिशा में बल लगा होगा तो पी से क्यू पे ही आएगी, तो बल इस दिशा में है तो विस्थापन भी उसी दिशा में होगा। पीक्यू सदिश, पीक्यू सदिश आपका हो गया विस्थापन सदिश, इसको बोला जाएगा बेटा विस्थापन सदिश। ये मेरा क्या होगा विस्थापन सदिश। और अगर मैं इस विस्थापन सदिश को कुछ मान लूं, जैसे मैंने मान लिया इसको R12 सदिश, और मुझे अब विस्थापन सदिश ज्ञात करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखो, त्रिभुज नियम लगा सकते हैं, त्रिभुज OPQ में त्रिभुज नियम से कौन सा नियम लगा लेंगे, त्रिभुज नियम। देखो ध्यान से त्रिभुज नियम क्या कहता है, त्रिभुज की दो भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों में निरूपित करें, तो इसका और इसका क्रम समान है और इसका क्रम विपरीत है, तो हम लिखेंगे OP सदिश प्लस PQ सदिश बराबर OQ सदिश। OP सदिश का मान है R1 सदिश, PQ सदिश का मान है R12 सदिश बराबर OQ सदिश का मान है R2 सदिश। मुझे R12 सदिश निकालना तो R1 सदिश को उधर ले जाऊंगा, R12 सदिश बराबर R2 सदिश माइनस R1 सदिश, ये मेरा विस्थापन सदिश आ गया। R2 सदिश इसकी स्थिति में से इसकी स्थिति को माइनस कर दो तो हमारा ये सदिश आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे विस्थापन सदिश, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा विस्थापन सदिश। इस तरह से हम स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश की जनरल बात करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बेटा।